बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने जा रहे झालावाड़ के श्रद्धालुओं को 11-12 जुलाई की दरमियानी रात को पटनी बाजार क्षेत्र में चाकुओं से धमकाने का मामला सामने आया है। बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने जा रहे झालावाड़ के श्रद्धालुओं को 11-12 जुलाई की दरमियानी रात को पटनी बाजार क्षेत्र में चाकुओं से धमकाने का मामला सामने आया है। महाकाल पुलिस को दिए आवेदन में जयपाल सिंह पिता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वे झालावाड़ से यहां आए और बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे, तभी सफेद स्कूटी से दो युवक पटनी बाजार में आए और हमें रोका। इधर उधर की बातें करते हुए चाकू निकाला और धमकाने लगे। थोड़ी देर में स्प्लेंडर से दो युवक आए और हम पर हमला करने की कोशिश की, तभी हमने मौका पाकर उनका चाकू छुड़ा लिया। ऐसे में वो शोर करने के बाद मौके से भाग निकले। थाना महाकाल पुलिस से हमने आरोपियों की शिकायत की है। उनकी बातचीत से पता चला कि वे वर्ग विशेष के हैं और इस संबंध में हमने पुलिस का अवगत करा दिया है। गौरतलब है कि थाना महाकाल और खारकुआ पटनी बाजार के समीप ही ऐसे में विश्वेश्वर युवकों द्वारा श्रद्धालुओं को धमकाने का ये मामला गंभीर है। पुलिस यदि समय रहते सचेत नहीं हुई तो सावन माह में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, जो कि धार्मिक नगरी की छवि धूमिल करेगी।